अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सुबह के बर्तन थे जो रात के वक्त मैं धो नहीं पाई थी, तो ये सुबह के टाइम पे थोड़े से बर्तन थे जो रात से मैं धो रही हूँ। और इनको धोने के बाद में अपना दूध आया था रात को, काफ़ी देर से गैस नहीं थी तो मैंने दूध उबाला और फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट किया। आज बेटी के लिए मानी बनाई है, जो हम अपनी ज़बान में मानी बोलते हैं। उसको हम आटे में डाल के नमक और अंडा को मिक्स कर लेते हैं और एक रनी से मिक्सचर होता है जिसको हम तवे पे चलाते हैं और वो एक नरम सा पैनकेक जैसा कुछ बन जाते हैं। मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं तो मैंने सोचा आज मैं अपनी बेटी के लिए वो बनाती हूँ। तो पहले बर्तन धोते हैं, दूध उबालते हैं, उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करते हैं। नाश्ते से नाश्ता बनाएंगे, आगाज करेंगे। आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सॉरी मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमली रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और आपको कैसा कंटेंट चाहिए। ये मेरे घर के नीचे हम जो है बाज़ार के बिल्कुल दरमियान में रहते हैं। ये मेरे घर के नीचे मंजर था सुबह के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि मेरे घर की खिड़की से बाहर का मंजर कैसा लगता है। ये सुबह आज हम बहुत देर से जागे सो गए, पता नहीं चला, तो अभी काफ़ी हलचल मची हुई है नीचे बाज़ार में। तो देखिए जी, दूध उबाल रही हूँ क्योंकि रात के वक्त दूध आया और गैस नहीं आ रही थी, तो अभी सुबह उठते ही मैंने पहले दूध उबाला क्योंकि अगर नहीं उबालते तो वो ख़राब हो जाता है। तो दूध उबल रहा है और बड़ी अच्छा दूध दे रहा है मैं अब दूध वाला, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें इतना अच्छा दूध मिलने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अब दूध जो है वो खुला फ्रेश दूध मंगवाना शुरू कर दिया है, वरना इससे पहले हम दूध नहीं मंगवाते थे। ये बहुत अच्छा दूध है, इसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती है और ये बच्चे पी भी लेते हैं आराम से। दूध उबलता है उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं।
हमने लिया है, हमारे बजट में भी आ गया। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, करा चुके हैं, अब इसको खोल के चेक कर रहे हैं कि इसके साथ हमें और क्या मिला है और ये इसकी शक्ल कैसी है। जैसे ये हमें 8000 में मिला है और ये है 8 लीटर का, तो इंस्टेंट गीज़र है, तो अच्छा भी लगा और बजट में भी आ गया। तो बाकी जो इसी साइज़ में थे वो 13-13, 14-14 हज़ार के बोल रहे थे, तो ये कोई जानने वाले थे जिनकी शॉप से ये हमें मिल गया। और ये है 8000 का या 8.5 हज़ार का, तो इसकी अब फिक्सिंग होगी, तो मैं आपसे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर और किसी और तरह का आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।